पर उपस्थित हुए हैं। सभी से तो मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतने गुड़ी जन, इतने महान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या बात है। सभी को प्रणाम कर रही हूँ, सभी से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, और समय ज्यादा ना लेते हुए सीधे चल रही हूँ। कुछ पंक्तियां आप सभी को समर्पित कर रही हूँ। हेलो, बहुत बड़ी तो नहीं, जितने यहाँ महान जन गुड़ी जन बैठे हुए हैं, बहुत छोटी सी हूँ, देखने में बहुत पिद्दी हूँ, लेकिन हूँ विभाजक दी। क्या बात है, बिल्कुल। इसलिए आइए, कुछ पंक्तियां आप सभी को समर्पित कर रही हूँ। आइए गीत बजा। कैसे? बहुत पहले कभी बजा था। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, क्या बात है। लेकिन जब मैंने माँ से पूछा, मेरी माँ से मैंने जब पूछा, सुनेगा, मैंने कहा है माँ कि ये क्या है, तो माँ ने कहा क्या, एक मंदिर है, पर बेटा इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक मूरत है। मैंने माँ से फिर सवाल किया, मैंने कहा है माँ ये मूरत कैसी होती है, ये मूरत कैसी होती है। तो माँ ने कहा कि बेटा छोटे छोटे होते थे, कन्या खाने जाते थे, सभी देवी का स्वरूप आज भी कहते हैं और कहते चले आ रहे हैं, ये मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है, तो ये क्या है, एक मंदिर है, ये क्या कैसे? श्री राम जी और जब केवट दोनों आमने सामने आए, अरे परम आदरणीय सम्मानी हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं शिव सहाय शर्मा जी, आपकी ओर से ये क्या पद्मगाय प्रदत्त है, कोटि कोटि नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। केवट राम सजायो पावा, पान कठोता भरी लई,
और तब तब भगवान श्री राम जी ने पूछा, सुनेगा उसके पहले कि केवट राम की आज्ञा जैसे पाया है। केवट राम की आज्ञा जैसे पाया है, और कि एक कठौते में पानी भर लाया है, एक कठौते में केवट पानी भर कर लाया। तब श्री राम जी ने देखा और केवट से कहने लगे, कठौते की ओर इशारा किया और श्री राम जी ने पूछा कि ये क्या है। श्री राम जी ने पूछा केवट से कि ये क्या है। तब केवट ने कहा, ये कठौते है और श्री राम जी ने फिर पूछा और कहा, क्या इस कठौते में। तो केवट ने फिर कहा, बस पानी है। तब श्री राम जी ने कहा, क्या इसमें ढूंढता प्राणी है। इस कठौते के पानी में आखिर क्या ढूंढ रहे हो। क्या इसमें ढूंढता प्राणी है। कैसे फिल्मी टुकड़ा सुनेगा। गीत कह रहा है क्या, जोड़ा दीदार माई दा, जोड़ा अजोड़ा दीदार माई दा, अजोड़ा दीदार, अजोड़ा दीदार माई दा, अजोड़ा दीदार, अजोड़ा दीदार माई दा, अजोड़ा धरती नू दुल्हन सजना, अज हवा वा मिठिया बगड़ा, अज धरती नू दुल्हन सजना, yeah।
भैया श्री अनूप तिवारी जी, नौगांव आपकी ओर से ये 501 पद्मधार प्रदत्त है, भारी भरकम आशीर्वाद प्रदत्त है, कोट कोट नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे परम आदर सम्मानी भैया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये परम आदरणीय सम्मानी भैया श्री डॉक्टर आकाश साहू जी, आपकी ओर से 51 पद्मधाराएं आशीर्वाद स्वरूप प्रदत्त है हमको, और 51 पद्मधाराएं परम सम्मानी हमारे चाचा जी यानी ढोलक नाल वादक उनको प्रदत्त है, कोट कोट नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सा 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 दी मेरी निभा धा 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 दी निभा धा दी सा 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 दी मेरी निभा धा 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 दी निभा धा दी सा 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 दी मेरी निभा धा 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 दी निभा धा दी सा 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 दी मेरी निभा धा 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 दी निभा धा दी सा 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 दी मेरी निभा धा धा दी सा अच्छा हमेशा उनकी बातें किया करते थे, क्या बात है, हम सभी को बताते रहते थे, और आज उन्हीं की कृपा है कि आज हम बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए कहना क्या दादा आज जहाँ भी हैं कि आज होंगे खुशहाल, दादा जी आज होंगे खुशहाल। ये मेरा सपना था, अधूरा रह गया, लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुंची।
और उनकी प्रतिमा सामने रखी हुई है, तो मैं समझती हूँ कि आज मुझे उनके साथ हाथ दर्शन हो गए। बैठी है सम्मानी हमारी गुरु माता। तो सच में ये हृदय से मैं कह रही हूँ कि आज अगर भगवान है तो बस यही है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुरु माता सामने बैठी है और वो गुरुवर वहाँ बैठे हैं। क्या बात है। तो आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तो आज हृदय उत्साह भरा है, आज हृदय उत्साह भरा है, आज हृदय उत्साह। कहीं ना कहीं कि आह भरी है, यानी आह भी भरी है कि आह भरी है, वाह भरा है, आह भरी है वाह। क्या बात है। ये जो महफिल आज सजी हुई है केवल उनके दर्शन मात्र के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए। क्या बात है। महफिल सजी विशाल दादा जी, महफिल सजी विशाल, क्योंकि हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विलंब भी हो रहा है लेकिन उसके साथ में चार पंक्तियां कहना चाह रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर जनता जनार्दन बैठी हुई है तो मैं चाहती हूँ कि वो पंक्तियां मैं कह दूँ। क्योंकि हमारी माताएं बहने भी बैठी हैं, मैं देख रही हूँ, और जब माताएं बहने मिल जाती है तब वार्तालाप जैसे वहां चल रही है वो देखती हूँ। बिल्कुल हमारी बुआ जी एक दूसरे से वार्तालाप कर रही है, वैसे वार्तालाप होती रहती है। यहाँ से के लिए सुनेगा, चार जन जब इकट्ठा हो गई तो आपस में बातचीत करने लगी और कहा अपने घर के हाल बताने लगी। चूंकि भाई एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारे उनके क्या हाल चाल है, तुम्हारी सासू माँ कैसी है, दुनिया भर की वार्तालाप कर लेती है। लेकिन आइए सुनेगा, हास्य के लिए और कुछ नहीं सुनेगा। पहले ने कहा क्या कि सखी सैया सैया तो घर ही माँ उघात है। और कहने लगी कमाए कहो नहीं जात है, कहने लगी घर में ही पड़े रहते हैं। सखी सैया तो घर ही माँ उघात है, कमाए कहो नहीं जात है। अब जब पहली बोली है तो दूसरी चुप होने वाली नहीं है ना? दूसरी जन भी कहने लगी कि तुम्हारे घर के हाल तो फिर भी ठीक है, मेरे घर के सुनो। किल्लरी का भूखन हमार मरे जात है, कहने लगी किल्लरी का भूखन हमार मरे जात है, ओई कमाए कहो नहीं जात है। भैया श्री राजू यादव जी आपकी ओर से 101 पद है, कोट को नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। दो जन बोल चुकी है, तीसरी जन भी कहने लगी मेरे घर के हाल सुनो, तुम्हारे घर के हाल तो फिर भी ठीक है। और कहा कि मोर
मोर बकुआ पढ़ाई से घबरात है और तहारी की तई पढ़ाई जात है। जब से मिड डे मील योजना चल गई कि मोर बकुआ पढ़ाई से घबरात है तहारी की तई पढ़ाई जात है। सुनो हमारे मियाँ कमाने भी जाते हैं, मेरा बच्चा पढ़ता है, फिर भी बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या हर घर में है। सुनिएगा कौन सी समस्या है कि सखी सैया कलकत्ता कमात है। जो हमारे सखी सैया है कि सखी सैया कलकत्ता कमात है और महंगाई डाइन खाए जात है। हेलो सखी सैया कलकत्ता कमात है महंगाई डाइन खाए जात है। सखी सैया कलकत्ता कमात है महंगाई डाइन खाए जात है। सखी सैया कलकत्ता कमात है महंगाई डाइन खाए जात है। और ये परम आदरणीय सम्मानित भैया श्री हरी शंकर यादव जी आपके